السلام रहीम अलगम एवरीवन उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट बिहेवियरिस्ट थ्योरी एंड मेंटलिस्ट सो टाइम क्वेस्ट के बगैर लेट्स गेट बिहेवियरिस्ट स्कूल सिंपली क्लेम्स दैट लैंग्वेज लर्निंग इज द फॉर्मेशन ऑफ अ सेट ऑफ हैबिट्स बी एफ स्कैनर एंड कलीग्स अ ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट नोन एज बिहेवियरिस्ट से पार्ट ऑफ द लर्नर इज़ ब्रॉट अबाउट बाय अ Process known as operant conditioning. Conditioned behavior is a behavior which is the result of repeated training. Operant means that it is a voluntary behavior, it is the result of the learner's own free will and is not forced by any outside person or thing. The learner demonstrates the new behavior first as a response to a system of rewards or punishments and finally as an automatic response. Behaviorist theory or behaviorism is बिल्कुल ख़ाली होता है बिल्कुल ख़ाली स्लेट की तरह होता है मतलब उसमें कुछ भी नहीं होता फिर वो अपने वालदे बहन भाइयों लोगों को सुनता है और बच्चा उनको इमिटेट करता है उनकी नकल करता है और इस तरह करते करते वो बोलना सीख जाता है मसलन मतलब जैसे अभी कोई बच्चा हो वो भूखा हो तो इस हालत को क्या कहेंगे स्टेमुलस कहते हैं फिर बच्चा रोता है ताकि बड़ों का कोई रिस्पॉन्स मिले उसे वो बच्चे को कुछ दिया जाता है मतलब माँ दूध पिलाया गया आ, कुछ और दिया जाएगा इसको कहते हैं कंडीशन इस कंडीशन को रीअनफोर्समेंट कहते हैं और दूध ये बच्चा ये जो मांगने के लिए दोबारा कुछ फिर मतलब रिपीट करता है कि मुझे कुछ और चाहिए तो ये क्या है ये रिपीटिशन है इसको रिपीटिशन कहते हैं तो बिहेवियरिस्ट थीरी में ये कहा गया है कि बच्चा जो है एक आ, मतलब उसका जो दिमाग होता है वो बिल्कुल खाली होता है बिल्कुल एक खाली स्लेट की तरह होता है वो जो भी सीखता है चाहे लैंग्वेज हो जो भी हो वो लोगों को सुनता है अपने वालदे को सुनता है अपने बहन भाइयों को सुनता है या जो भी उसके सामने हो उनको इमिटेट करता है फिर उस तरह वो बोलना सीख जाता है ऑपरेंट कंडीशनिंग कैन बी सेमराइज़्ड एज लाइक स्टेमुलस स्टिमुलस कौन सी हालत होती है जब सपोज जैसे मैंने बताया कि बच्चा जब भूखा होता है तो इस हालत को क्या कहते हैं स्टेमुलस कहते हैं फिर रिस्पॉन्स मिलता है मतलब वो रोता है और वो रोने का जो रिस्पॉन्स उसे हम दिया जाता है वो रिस्पॉन्स किसके फॉर्म में था? कुछ दिया जाता है कुछ खाने के लिए दिया जाता है और इस तरह जब कुछ मतलब जो कुछ दिया जाता है उसको हम फिर रियनफोर्समेंट कहते हैं और जब दोबारा वही चीज़ मांगता है तो उसको हम रिपिटेशन कहते हैं स्किनर एंड द बिहेवियर डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव रियनफोर्समेंट प्रेज एंड रिवर्ड्स आर पॉजिटिव रियनफोर्समेंट अब इसमें फिर पॉजिटिव और नेगेटिव री की बात आ जाती है एंड रिब्यूक एंड पनिशमेंट्स आर नेगेटिव री अगर उसे कुछ रिवॉर्ड दिया जाता है कुछ खाने के लिए जाते तो ये क्या है पॉजिटिव री अगर नहीं अगर उसने कुछ करना है मतलब उसे कोई पनिशमेंट दी जाती तो इसको हम नेगेटिव री कहते हैं द बिहेवियरिस्ट क्लेम दैट वी लर्न बाई इमिटेशन एंड एसोसिएशन कि हम जो है इमिटेट करते जो भी सीखते हैं चाहे बच्चा हो जो भी लैंग्वेज सीखता है वो बच्चा तो वो क्या है इमिटेट करता है लोगों को फॉर एग्जाम्पल अंग चाइल्ड हेयर्स द वर्ल्ड बिस्किट अगर कोई बिस्किट का वर्ड सुनता है एवरी टाइम ही इज गिवन वन उसको एक दिया जाता है ही सून एसोसिएट दर्ल्ड बिस्किट विद द एक्चुअल थिंक वो दूसरी चीज़ों के साथ भी इसको रिलेट करेगा एसोसिएट करेगा ही देन मेक्स दिस साउंड हिम सेल्फ इमिटेटिंग वट ई हैज हर्ड फिर वो इस चीज़ को इमिटेट करता है कि उसने क्या सुना मतलब बिस्किट वर्ड सुना है तो बेसली इसको इमिटेट करेगा और ये इसी वर्ड को फिर बोलना सीखेगा और इसी वर्ड्स के जरिए जो है वो वही बिस्किट मतलब आ, मतलब एक रिस्पॉन्स इसे मिलेगा कुछ खाने को मिलेगा और वो क्या होगा बिस्किट होगा हिज पेरेंट्स आर प्लीज दैट ई हैज़ लर्न इन अदर वर्ड एंड सो हिज रिस्पॉन्स इज री एनफोर्स्ड अकॉर्डिंग टू द बेहेवियर्स थे बी एफ स्कैनर एक लर्निंग अ लैंग्वेज ऑफ वर्बल बिहेवियर देर फॉर यू बिलीव दैट लैंग्वेज एक्विजिशन लाइक एनी अदर बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व रादर दैन ट्राइंग टू एक्सप्लेन द मैंटल सिस्टम अंडरलाइंग दिस सिस्टम ऑफ बिहेवियस टू हिम चिल्ड्रन आर बॉन्ड विद द ब्लेंक स्लेट ऑफ माइंड और टेबुला रासा जैसे मैंने बताया कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका दिमाग बिल्कुल ख़ाली होता है मतलब उसको इसने क्या वर्ड इसके लिए यूज़ किया बी एफ स्कैनर ने उसके लिए ब्लैंक स्लेट वर्ड यूज़ किया है और या टेबुला रासा वर्ड यूज़ किया है तो ये दोनों वर्ड इसने यूज़ किए हैं बच्चे के खाली दिमाग के लिए फिर वो चीज़ों को इमिटेट करता है अगर उसने लैंग्वेज सीखनी हो तो लैंग्वेज को किस तरह सीखता है लोगों को इमिटेट करता है इमिटेशन से मुराद घर में जो भी कोई अल्फाज कोई वर्ड्स या कोई सेंटेंसेस बोले जाते हैं तो वो उसको इमिटेट करता है और फिर एक वक्त आता है एक स्टेज आता है वो बोलना शुरू करता है चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज थ्रू लैंगवेज वन एल वन का मतलब ए लैंगवेज वन फर्स्ट लैंग्वेज थ्रू स्टेमुली गिवन टू दैम एंड द रिस्पॉस ऑफ चिल्ड्रन एंड कंडीशन थ्रू री एन्फोर्समेंट तो वही बात जैसे मैंने पहले भी बात की जब बच्चे को भूख लगती है तो वो क्या होती है उसकी स्टेमुलस होती है मतलब ये जो भूक लगना ये क्या स्टेमुलस है फिर उसे रिस्पॉन्स दिया जाता है और फिर जो रिस्पॉन्स या कुछ दिया जाता है जैसे दूध वगैरह पिला दिया कुछ और तो इससे क्या है ये इसकी री एनफोर्समेंट है और पॉजिटिव रीफोर्स पॉजिटिव रिस्पॉन्स विल बी कंडीशन थ्रू पॉजिटिव री एन्फोर्समेंट लाइक रिवार्ड और प्रेज एंड वाइस वर्सा तो फिर वही बात आ गई कि पॉजिटिव री एफोसमेंट होती है और एक नेगेटिव री एन्फोर्समेंट होती है नेगेटिव रेनफोर्समेंट में पनिशमेंट दी जाती है और पॉजिटिव री एन्फोर्समेंट में जो है प्रेज किया जाता है रिवार्ड दिया जाता है एक्जिशन हाउ डज अ चिल्ड्रन एक्वायर द लैंग्वेज स्किल्स एक्जिशन का क्या मतलब है एक्जिशन से मुराद जब कोई चीज़ या लैंग्वेज अनकॉन्शियसली सीखी जाती है उसे कहते हैं एंड हाउ आर दे एक्सटेंडिड टू अ नदर लैंग्वेज सेकेंड फॉरन लैंग्वेज एंड एक्जिशन इसी तरह जो दूसरी लैंग्वेज होती है जब भी वो सीखता है वो भी एक्वायर करता है मतलब आ, उसको भी मतलब एक रूल्स उसके लिए चलो बनाए जाते हैं लेकिन जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसमें क्या होता है वो इमिटेशन करता है दीज टू स्कूल आर नोन एज एम्पेर एम्पेकस्टिक्स जिसको बिहेविय भी कहते हैं और रेशनलिस्टिक्स जिसको मेंटलिस्ट्स कहते हैं अब मैंटलिस्ट तीरे की बात करते हैं जिसको मेंटलिस्ट स्कूल या मैंटलिज्म भी कहा जाता है नोम चोम्स की लैंग्विस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट क्रिटिसाइज स्कैनर्स थेरी एंड एड गिव डैट ही मिस अंडरस्टूड द नेचर ऑफ लैंग्वेज तो इसने क्या कहा कि जो बी एफ स्कैनर है उसने जो थेरी पेश की थी बिहेवियस तेरी उसने मिसअडरस्टूड किया मतलब नेचर ऑफ लैंग्वेज को समझा ही नहीं उसने ही से दैट स्कैनर टुक लैंग्वेज मेरली स्ट्रिंकिंग वर्ड्स टूगेदर चोम्स की पॉइंटेड आउट दैट लैंगवेज मेक्स यूज ऑफ स्ट्रक्चर डिपेंडेंट ऑपरेशन तो बी एफ स्कैनर की अगर हम बात करें ये सॉरी नोम चमसकी की थे की अगर हम बात करें मैंटलिस्ट थीरी की तो मेन्टलिस्ट थीरी में ये बताया गया है कि इंसान जब पैदा होता है सो नोम चमसकी के अकॉर्डिंग पेचीदा सोच और पेचीदा ख्याल का इसमें जिक्र ही नहीं किया गया मतलब नोम चस्की की थीरी में ये कहा गया है जो मैंटलिस्ट है उसमें ये पेचीदा सोच और पेचीदा ख्याल का जिक्र ही नहीं किया गया और किसी बच्चे को बोलने के लिए लालच या इनाम की जरूरत नहीं होती नोम चमसकी का मानना यह है कि किसी बच्चे को बोलने के लिए किसी लालच या इनाम की ज़रूरत नहीं होती और फिर ये भी कहते हैं कि जो बिहेवियरिस्ट थीरी है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की बुनियाद पे है हालांकि लैंग्वेज लर्निंग कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ये ये तेरी है जो बिहेवियरिस्ट थी के जवाब में यानी लर्निंग लैंग्वेज एंड के जो बच्चा होता है एवरी पर्सन हैज़ एन इन नेट कैपेसिटी फॉर यूजिंग एंड लर्निंग लैंग्वेज मतलब बच्चा पैदा होते ही अपने फ़र्स्ट लैंग्वेज को सीखने की काबिलियत के साथ पैदा होता है ये कौन कहता है मैंटलिस्ट थीरी मीन्स नोम चम्सकी कहता है कि जब बच्चा पैदा होता है वो अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को सीखने के काबिलियत के साथ पैदा होता है उसे सोशल कंडीशंस लैंग्वेज को सीखने में कोई रोल प्ले नहीं करते मतलब जो सोशल कंडीशन है वो कोई रोल प्ले नहीं करते कि मतलब वो लैंग्वेज सीखे लेकिन बल्कि इंसानी दिमाग में ऑलरेडी एक टूल फिट होती है कौन मतलब नॉम चम्सकी ये कहता है कि इंसानी दिमाग में एक ऑलरेडी एक टूल होती है एक डिवाइस होती है जिसको इसने क्या कहा है एल ए डी लेट मीन्स यानी लैंग्वेज एक्जिशन डिवाइस फर्स्ट लैंग्वेज सुनने से ही आना शुरू हो जाती है किसी कई बार बच्चा गलती करता है फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी गलतियों को सुधारता है और सही बोलना सीख जाता है सो द रेट वॉज रिपीटली रिडेड वेयर चिल्ड्रन अटर विदाउट एनी रिवार्ड एंड एवरीबडी इज़ अराउंड तो फिर इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी की थी जो बिहेवियर थे रेट वगैरह या चूहे वगैरह पे की थी ऑन दिस साउंड यही चीज़ फिर इन्होंने बच्चे के साथ भी की थी On this sound basis, Noam Chomsky rejected the verbal behavior of Skinner and proposed his own theory that is known as the mentalist theory. In contrast with behaviorist, he the mentalist suggests that learning is concerned with cognition, innovation, and innate ability. मतलब बच्चे मतलब ये वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है ना innate या innovation या cognition इसका मतलब यही है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर ऑलरेडी इतनी काबिलियत होती है कि वो लैंग्वेज को सीख सके उसके दिमाग में एक डिवाइस होती है उस डिवाइस को इसने कौन सा नाम दिया है? ये आगे लिखा होगा एल ए डी ये लैंग्वेज एक्जिशन डिवाइस ये अकॉर्डिंग टू नम चम्स की आर बोर्न विद एन इन्नीट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज ही प्रेजेंटेड दिस हिस थी अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इन्ेट स्ट्रक्चर जिसको लैंग्वेज एक्वजिशन डिवाइस कहा गया तो ये एक हमारे माइंड में एक डिवाइस होता है जब बच्चा पैदा होता है तो वो ऑलरेडी लैंग्वेज सीखने के काबिल होता है एवरीबडी लर्नस अ लैंग्वेज बिकॉज द पोसेज एन इन बॉर्न कैपेसिटी तो इन बॉर्न मीन्स पैदायशी विच परमिट्स दैम टू एक्वायर अ लैंग्वेज जो उसको इजाजत देते हैं कि वो लैंग्वेज को एक्वायर करें दिस कैपेसिटी इज़ बाई डिफिनेशन यूनिवर्सल और ये जो है यूनिवर्सल है हाउ एवर दिस सिंपलेस्ट व्यू ऑफ लैंग्वेज वन एक्जिशन रिसिव क्रिटिसिजम इससे जो है मतलब जो लैंगवेज वन की बात कर रहा है ये आ, आ, हमारी जो अपनी जबान होती है उसकी कि इसको क्रिटिसाइज भी किया गया मेनली फ्राम दी एडवोकेट्स ऑफ इनट्रिस्ट थीरी अमॉन्ग होम नॉम चोम्स की बिलीव डेट चिल्ड्रेन आर रिक्वायर्ड तो ये जो बिहेवियरस्ट थे उन्होंने क्या कहा था कि बच्चा खाली दिमाग होता है उसका उसके अंदर मतलब एक ब्लैंक स्लेट या टेबुलर अरासा कहा गया ये मतलब बिल्कुल उसको कुछ भी नहीं आता वो जो भी सीखता है सोसाइटी से सीखता है घर वालों से सीखता है बहन भाइयों को सुनते हुए सीखता है पेरेंट्स uh, को सुनते हुए सीखता है जो भी लैंग्वेज उसने सीखनी हो uh, लेकिन जो नॉम चोम्स की उसने इसका उलट कहा मिस कहा कि नहीं बच्चे के अंदर ऑलरेडी काबिलियत होती है तो ये पूरी जो है जैसे इसने एल ए एल ए डी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात की गई है और ये पैराग्राफ उसी से रिलेटेड है द मेंटलिस्ट लर्निंग थी बिसाइड द रोल ऑफ द माइंड इन लैंग्वेज तो अगेन वही बात है कि इंसान के, के दिमाग का बहुत बड़ा रोल होता है लैंग्वेज को सीखने में

तो इसमें क्या कहा गया कि लोग मतलब हम जो है सोसाइटी से सीखते हैं लेकिन वो दूसरा जो आ, कहते हैं ना कि जो बिहेवियरिस्ट है वो ये कहते हैं कि नहीं आ, हम सोसाइटी से बिहेवरस्ट ये कहते हैं कि हम सोसाइटी से सीखते हैं लेकिन जो मेंटलिस्ट है वो ये कहते हैं कि जब हम लैंग्वेज एक या एकवायर करते हैं इसके लिए ऑलरेडी हमारे माइंड में जो है एक डिवाइस फिट होती है जिसको एल कहा गया है सेकेंड पॉइंट क्या है लैंग्वेज एक्विजिशन इज़ अ स्टेमुलस रिस्पॉन्स प्रोसेस कि इसमें स्टेमुलस का रोल होता है जैसे वो बच्चा जब रोता है तो ये क्या है ये एक स्टेमुलस है तो इस तरह वो जब उसे चीज़ दी जाती है तो फिर वो उस चीज़ का नाम भी याद करना स्टार्ट करता है और लैंगवेज इज़ एन इेट इन बोर्न प्रोसेस लेकिन जो रेसनलिस्ट या मैंटलिस्ट अप्रोच है उसमें यह कहा गया कि नहीं और बच्चा जो है ऑलरेडी उसके माइंड में एक डिवाइस होती है अब बेबी जो है मतलब जो मैंटलिस्ट थीरी के अकॉर्डिंग के बेबी सेट्स हिज ग्रामर हिमसेल्फ ग्रायमर स्ट्रक्चर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन बॉडी माइंड व्हेन ही बॉन्स जब वो पैदा होता है तो ऑलरेडी सब कुछ उसके माइंड में होता है ग्राइमर वगैरह सब कुछ बेबीज़ माइंड इज़ नॉट स्लेट ये जो मेंटलिस्ट है उनका ये मानना है कि बेबी का माइंड स्लेट नहीं होता है टेबुलर रास्ता नहीं होता लैंग्वेज इज़ नॉट अ बिहेवियर बट अ स्पेसिफिक मेंटल प्रोसेस लैंग्वेज इज़ अ कंडीशनड बिहेवियर और आगे उसका क्या है कि मैंटलिस्ट वालों का क्या मानना है लैंग्वेज इज़ नॉट अवियर लाइक अदर बिहेवियर्स चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज बाई इमिटेशन एंड एनॉलोजी तो वहीं के लर्न जो है मतलब जो टीचर ये बच्चे सीखते थे तो वो इमिटेट करके सीखते हैं इन किसका मानना है बिहेवियर का चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज बाई एप्लीकेशन नहीं लैंग्वेज जो है एप्लीकेशन के जरिए सीखी जाती है और वह एप्लीकेशन को मतलब जो हमारे माइंड में एक डिवाइस हो फ़िट होती है जिसको एल ई डी कहा गया है लैंग्वेज लर्निंग इज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिस ये बिहेवियस का क्या मानना है कि प्रैक्टिस करनी होती है मतलब वर्ड सिखाए जाते हैं लैंग्वेज लर्निंग इज एनालिटिकल जेनेटिव एंड क्रिएटिव नहीं जो मैंटलिस्ट है उनका मानना है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है ये एनालिटिकल जेनेटिव और क्रिएटिव होते हैं द रोल ऑफ इमिटेशन रिपीटन री एन्फोर्समेंट एंड मोटिवेशन इज़ वेरी सिग्निफिकेंट इन लैंग्वेज लर्निंग तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो बिहेवियरिस्ट है उनका ये मानना है द रोल ऑफ एक्सपोजर ऑफ लैंग्वेज इज क्वाइट वाइटल रेशनलिस्ट का मानना है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है लैंग्वेज अपोजिशन इज द रिजल्ट ऑफ नेचर and language acquisition is the result of nurture. So this was all about today's. I hope this video has been helpful for you. Thanks for watching. See you in the next video. Take care of yourself.